आप देख रहे हैं हिस्ट्री पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल सिविल एंड केमिकल ब्रांच की सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यदि आपके किसी सब्जेक्ट का नाम बेसिक मैकेनिकल है तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। आपकी काफी डिमांड पे वीडियो का 16 नंबर पार्ट में लेकर आया हूँ। और गाइस जो आज की वीडियो की टॉपिक है अगर उसे नहीं समझोगे तो वीडियो आगे देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले टॉपिक समझ लो, ध्यान देना। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्ट, जी हाँ सॉफ्ट आज हम चालू करने वाले हैं। ध्यान देना सॉफ्ट अपने आप में एक लेशन है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल का बोर्ड पेपर जाके देख भी सकते हो, ठीक है ना, तो इसलिए अंत तक देखना। तो फटाफट से पहले टॉपिक सुन लो। सबसे पहले सॉफ्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा जो सॉफ्ट है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है, इसे पारेसर सॉफ्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है मशीन सॉफ्ट, फिर उसके बाद आता है स्पेंडर सॉफ्ट। 3 प्रकार के आपके सॉफ्ट होंगे, इसके बारे में आप जानेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके नाम है कॉलर के बारे में जानेंगे, फिर आप क्रैंक के बारे में जानेंगे। जी आप कॉलर और क्रैंक के बारे में जानेंगे, और मैं आपको टॉपिक बता दूं तो जो क्रैंक है उसके बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। और वो टाइप्स 3 होते हैं। सबसे पहला ओवरहंग क्रैंक होता है, दूसरा होता है डिस्क क्रैंक, सेंटर क्रैंक। देखो तीनों नाम से स्पष्ट है, ओवरहंग क्रैंक मतलब ये खूंटी की तरह निकला होगा तो ओवरहंग क्रैंक, डिस्क एक डिस्क भांति लगा रहेगा तो डिस्क क्रैंक, और सेंटर तो इस सेंटर तरीके से क्रैंक होगा तो मतलब उसके बीच वाला कुछ भाग करके आएगा, तो आगे आएगा तो अभी देख लेना। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसेंट्रिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रण, के बारे में बताया जाएगा। सो गाइस इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखोगे तभी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल का या केमिकल का या सिविल का एक पार्ट है। ध्यान दीजिएगा आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है दोस्तों वो है 16 पार्ट। आज के इस वीडियो में हम एक नई टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है सॉफ्ट। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्ट के बारे में फुल नॉलेज देने वाले हैं, यानी पूरा जो यूनिट है सॉफ्ट की पूरी एक ही वीडियो लेक्चर में एंड की जाएगी, जिस वजह से हो सकता है यह वीडियो लंबी हो थोड़ी, लेकिन समझना कि पूरी एंड तक देखना होगा, नहीं तो पूरी तरीके से बस नहीं समझ पाएगा अगर स्किप करके आप देखते हैं तो। सो गाइस चलते हैं सीधे कॉपी पे और आज की इस वीडियो में हम सॉफ्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा सिर्फ 4 ही 5 वीडियो लेक्चर है जिसमें पूरा आपका ये एंड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा एक वीडियो हम खींच रहे हैं तो काफ़ी जल्दी एंड होने के चांसेस हैं। सो गाइस आ चुके हैं कॉपी पे। आज की वीडियो के जो टॉपिक है मैं आपको पहले टॉपिक से रूबरू करा देता हूँ, क्या क्या जानेंगे। देखो तो यार हम सॉफ्ट जानेंगे, टाइप ऑफ सॉफ्ट जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे पारेसर सॉफ्ट, मशीन सॉफ्ट, आपका स्पेंडल सॉफ्ट होता है। फिर इसके अंतर्गत गाइस हम लोग जानेंगे कॉलर क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे क्रैंक क्या होता है। इतना जानने के बाद गाइस हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ क्रैंक्स के बारे में, फिर हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे ओवरहंग क्रैंक क्या होता है, डिस्क क्रैंक क्या होती है, सेंटर क्रैंक क्या होती है और इसेंट्रिक क्या होता है। जी हाँ इतनी सारी टॉपिक्स हैं आज की अपनी। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले सॉफ्ट आपको क्या करना है, सबसे पहला ये फिगर बना लेना है जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, इस तरीके से बना है और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा कर्व किया गया और यहाँ पे एक यहाँ पे करके थोड़ा सा इस तरह लाइन खींच दी गई, दिखाएगा एक सॉफ्ट है और यहाँ पे इस तरीके से डॉट फॉर्म दिखाया गया है। कैसे लिखोगे, कैसे डिफाइन करोगे, आओ समझते हैं। देखिए गाइस जो सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट क्या करता है कि घूमने वाला बेलनाकार मशीन का एक अंग होता है। सॉफ्ट जो होता है आपका घूमने वाला, रोटेट करने वाला, ठीक है, रोटेट करने वाला बेलनाकार यानी बेलन सिलेंडरकल टाइप का आपका मशीन का एक अंग होता है, जो क्या करता है देखिए, जो शक्ति को यानी जो हमारी पावर्स है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारेषित करने के काम में आता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें शक्ति भेजनी है, हमें पावर को भेजनी है, तो हमें क्या करना है, इस्तेमाल सॉफ्ट। अभी देखो किस तरीके की शक्ति भेजनी है वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। तथा घूमने वाले अंगों को भी सहारता है, मतलब जो सॉफ्ट पर कई अंग भी जैसे पुल्ली घिरनी ये सब लगे होते हैं उसको भी सहारता है, इसको हम सॉफ्ट बोलते हैं।
जो श्राप्त होता है, श्राप्त के द्वारा हम शक्ति का पारेषण मरोड़ आघूर्ण के रूप में करते हैं। कहने का मतलब दोस्त, श्राप्त इसी तरीके से कुछ होता है। करना क्या है कि हमें यहां से बल अगर यहां तक पहुंचाना है तो मैं श्राप्त की मदद से करूंगा, जो कि देखो मरोड़ पारेषण मरोड़ आघूर्ण के रूप में देखो इस तरीके से घूम रहा है ना, घूम करके शक्ति पहुंचाता है। मतलब यहां भी एक पुल्ली लगा दिए, एक यहां पर, अगर मैं यहां मोटर पुल्ली लगा दूं तो एक अगर यहां से देखो, यहां मान लो मैं मोटर लगा दूं, ये मान लो मोटर लगी है, अब यहां मोटर लगी है और हमें मशीन हमारी यहां लगी है, हमको यहां तक मशीन को चलाना है, लेकिन हम यहां से तो यहां है नहीं कि भाई तार जोड़ देंगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल मशीन अगर है तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक एक पुल्ली लगा करके इससे कनेक्ट कर देंगे तो भाई हमारा जो शाफ्ट है इस तरीके से घूमेगा। अब जब यहां पर गाइस घूमेगा तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर क्या पुल्ली एक लगा करके अब मशीन से हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो बल है वो पारेषण आघूर्ण के मरोड़ आघूर्ण के रूप में क्या हुआ, पारेषित हो गया, आगे जाके काम किया। गाइस अब देखिए क्या होता है, आपका जो शाफ्ट होता है शाफ्ट पर क्या क्या लग सकते हैं। देखिए जो शाफ्ट पर घूमने वाले अंग होते हैं उसमें पुल्ली हो सकती है, घिरनी हो सकती है, पुल्ली गियर हो सकता है, घिरनी हो सकती है, इत्यादि और चीजें भी लगी हो सकती हैं। अब शाफ्ट किसका बना होता है उसको देखिए, जो शाफ्ट होता है जो सामान्यतः अगर बात करें तो मृदु इस्पात का बना होता है, जो शाफ्ट होता है आपका मृदु इस्पात का गाइस आपका ये शाफ्ट बना होता है, तथा अधिक शक्ति पारेषण करने के लिए, तथा अधिक शक्ति पारेषण करने के लिए शाफ्ट में ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा शक्ति को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो शाफ्ट में क्रोमियम निकिल वैनेडियम इत्यादि को हमको मिलाना होगा। अब मिलाने से क्या होगा, देखो जब शाफ्ट बनाया जाता है तभी ये मिलाया जाता है, ठीक है, तो मिलाने से क्या होगा उसकी मजबूती ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें इस तरह से पारेषण करना भाई बहुत बल इस पर लगता है, जिस कारण से जब हमें ट्रांसफर करनी है तो इसे मजबूत बनाएंगे तभी हमारी शक्ति ट्रांसफर हो सकेगी। अब चलिए शाफ्ट के बारे में आगे समझ लीजिए, शाफ्ट पर जो मरोड़ आघूर्ण के कारण, ध्यान दीजिएगा शाफ्ट पर मरोड़ आघूर्ण के कारण शियर स्ट्रेस, ध्यान देना थोड़ी सी स्पेलिंग इधर हो सकती है इधर उधर, लेकिन हिंदी में सही लिखा गया, ध्यान दिया क्या करते हैं, मरोड़ आघूर्ण के कारण शियर स्ट्रेस हिंदी में बोलते हैं कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है, तथा अच्छी भाग के कारण, अच्छी भाग के कारण शाफ्ट पर कंप्रेसिव, ध्यान दीजिएगा कंप्रेसिव संपीड़ित, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश वाला भी आप बना सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं, हालांकि थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है मीनिंग उसकी, ठीक है, तो संपीड़ित प्रतिबल उत्पन्न होता है। अगर मैं सामान्यतः बात करूं जो शाफ्ट का व्यास होता है, जो हमारा शाफ्ट है उसका जो व्यास होता है डायामीटर जो होता है वो 25 mm से लेकर के 500 mm तक होता है, सामान्यतः तो 25 mm, लेकिन अगर बात करूँ तो इन सब के बीच में होता है। अगर इसकी बात करूँ लंबाई तो कितना लंबा होना चाहिए शाफ्ट, अब देखो 5-6-7, इस जो 5-6-7 ये मैक्सिमम दिखाएगा, 5 या 6 या तो 7 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते और इससे कम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपने अभी तो सिर्फ बेसिक जाना जो कि शाफ्ट के बारे में, अब आप समझिए शाफ्ट के प्रकार क्या है, मींस शाफ्ट के टाइप्स क्या है। जो आपके शाफ्ट होते हैं मेनली अगर आप बात करें तो 3 ही होते हैं, एक तो होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट जिसे पारेषण शाफ्ट के नाम से जानता है, अगला है मशीन शाफ्ट जिसको इंग्लिश में भी या हिंदी में भी मशीन शाफ्ट बोलते हैं, अगला है स्पिंडल शाफ्ट, ठीक है, स्पिंडल शाफ्ट। तो चलिए इसके बाद हम कुछ और आगे चीजें समझते हैं। आगे गाइस जो आपको चीजें समझनी है पारेषण शाफ्ट के बारे में, मींस हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बात करें तो ट्रांसमिशन शाफ्ट बोलते हैं, कैसे समझोगे इसके बारे में, देखिए ऐसा शाफ्ट यानी इस प्रकार का शाफ्ट जो किसी शक्ति स्रोत से, ऐसा शाफ्ट जो किसी शक्ति स्रोत से शक्ति को मशीन तक स्थानांतरित करता है, ऐसा शाफ्ट जो किसी शक्ति स्रोत से, ऐसा शाफ्ट जो किसी शक्ति स्रोत से शक्ति को मशीन तक स्थानांतरित करता है पारेषण शाफ्ट कहलाता है। एक प्रकार का यह जो होता है गाइस मेनली कि बेसिक सा शाफ्ट है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊँ, देखो ये हमारी शाफ्ट हो गई, ये हमारी मान लो मोटर हो गई, इसमें रोटेटिंग पार्ट होगा, ठीक है, जब ये रोटेट करेगा तो हमें इस पर शक्ति पारेषित करनी है। मतलब हमने यही बताया कि देखो यहाँ शक्ति है, शक्ति स्रोत ये तो हमारी शक्ति है, शक्ति स्रोत है क्योंकि यहाँ से भाई मोटर चलेगा, मैकेनिकल प्राप्त होगा, इसी मैकेनिकल हमें इस शाफ्ट में भेजना, तो हम पुल्ली और पट्टे वगैरह लगा करके यहाँ पे हम लगा देंगे बेल्ट वगैरह, तो यहाँ पर क्या होगा ये रोटेट करने लगेगा तो शक्ति हमारी यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, वही चीज़ बताया जा रहा है। और जो ये शाफ्ट होता है देखिए इस पर क्या गियर पुल्ली घिरनी इत्यादि को भी सहारते हैं, मतलब हमने बताया देखो शाफ्ट अगर आपके गांव से बिलोंग करते हो आपको पता होगा एक अगर शाफ्ट क्या बोलते हैं शाफ्ट लगा है तो उस पर पुल्ली भी लग सकती है, घिरनी भी लग सकती है, ठीक है, गियर भी लग सकता है। अब देखिए इसका प्रयोग जो कहाँ करते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट का, ट्रांसमिशन शाफ्ट जो होता है इसका प्रयोग वर्कशॉप में कंपनियों में विभिन्न मशीनों के शक्ति पारेषण में किया जाता है आपके जो है ट्रांसमिशन शाफ्ट के। अब हम लोग जान लेते हैं छोटा सा बहुत अच्छा सा परिभाषा है मशीन शाफ्ट क्या होता है। देखिए जो मशीन शाफ्ट होता है ये शाफ्ट मशीन के ही भाग होते हैं, मशीन शाफ्ट जो होता है ये शाफ्ट मशीन के ही भाग होते हैं जो मशीन को क्या करते हैं मशीन को यहाँ पे काम करने में, ध्यान दीजिएगा मशीन ये शाफ्ट भाग होते हैं जो मशीन को यहाँ पे काम लिख लीजिएगा, ठीक है,
काम करने में सहयोग करते हैं, मतलब बल को वही ट्रांसफर करने पे। इसके अंतर्गत अगर एग्जांपल की बात करें तो क्रैंक शाफ्ट आपका आता है, क्रैंक, ठीक है। अभी आप क्रैंक के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे, ठीक है, तो यहाँ बेसिक से जान लीजिए। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है स्पिंडल शाफ्ट, और स्पिंडल शाफ्ट बहुत छोटा सा टॉपिक इसी तरीके से है। देखिए जो स्पिंडल शाफ्ट होता है यह भी एक प्रकार का मशीन शाफ्ट ही है, स्पिंडल शाफ्ट होता है जो कि एक प्रकार का मशीन शाफ्ट है। अंतर क्या है, किंतु यह आकार में छोटा होता है तथा जो हमारा यह शाफ्ट होता है मशीन के औजारों, तथा यह शाफ्ट जो होता है गाइस मशीन के औजारों, हिंदी में इंग्लिश में बोले तो टूल्स, मशीन के औजारों मीन्स टूल्स को घुमाऊ गति प्रदान करता है। को क्या करता है गाइस, घुमाऊ गति प्रदान करता है। एग्जाम्पल के लिए ड्रिलिंग मशीन तथा स्पेंडल लेथ मशीन, खराद मशीन, ये दोनों इसके अंतर्गत गाइस आते हैं जहाँ पर हम स्पेंडल शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक तो आपने सिर्फ जाना शाफ्ट क्या होते हैं और शाफ्ट के टाइप्स क्या हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो जाननी है वो है कॉलर। कॉलर क्या होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन पर्पस डियर, ए इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि देखो इस तरीके से एक फिगर आपको बना लेने हैं जो कि कॉलर का फिगर है। यहाँ समझने की अगर आपको बात हो तो अभी हम जो बताएंगे तो आप समझ लेंगे। तो देखो यार ये क्या है, ये आपका शाफ्ट है। अब देखो ये कॉलर है, अब यहाँ पे देखो ये ब्लॉक टाइप का यहाँ मतलब इसमें छिद्र होता है और यहाँ कॉलर लगाकर इसको रोका गया, शाफ्ट यहाँ से है कि इधर उधर भाई ये अच्छी विस्थापन ना करे, ठीक है। ये चीज़ आपका फिगर बना लीजिए, इसको पेपर में बना मतलब लिखने से पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में आगे समझिए, यह एक छल्ले आकार का मशीन का अंग होता है, जो आपका स्पिंडल शाफ्ट होता है। यह एक छल्ले आकार का मशीन का अंग होता है जो शाफ्ट को अक्ष की दिशा में सरकने से रोकता है। यह क्या होता है, एक छल्ले आकार का मशीन का अंग ही होता है जो शाफ्ट को अक्ष की दिशा में सरकने से मीन्स खिसकने से रोकता है। कॉलर शाफ्ट के साथ भी लगा हो सकता है और अलग से भी लगाया जाता है। जो गाइस आपका कॉलर लगा है यहाँ पे, देखो यार कॉलर लगा, कॉलर का मतलब क्या, देखो मैं बता दूं आपको, ये मान लो शाफ्ट है। अब ये देखो कॉलर मतलब कॉलर एक प्रकार का मतलब इतना बड़ा नहीं रहेगा, मान लो यहाँ से अगर काट देते हैं तो सिर्फ इसको क्या करेंगे, जो कटेगा यहाँ से पार्ट इसको ले जाकर इसमें सिर्फ हम लगा देंगे, बस ऐसे ऐसे लगा देंगे तो क्या होगा, ये जाकर यहाँ चिपक जाएगा, मतलब चिपक जाएगा तो अच्छी विस्थापन नहीं करने देगा, बस यही इतना काम है कॉलर का, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यही काम भाई बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। और अलग से भी लगा सकते हैं इस कॉलर को, इसकी सहायता से दो शाफ्टों को भी जोड़ा जा सकता है। ध्यान दीजिए जो कॉलर होता है इसकी मदद से दो शाफ्ट को भी जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब यार मान लो यही चीज़ है तो कॉलर है, यहाँ पे देखो एक शाफ्ट है और दूसरा इधर भी कोई शाफ्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हम इसमें यहाँ पे लगा दिए तो कुछ स्पेस तक इसको लगा दिए और कुछ स्पेस तक इसको, तो इसका मतलब ये जोड़ने का भी काम करता है। इसका जो प्रयोग होता है बेंच वाइज के स्क्रू पर, ध्यान दीजिएगा जो आपका कॉलर है इसका प्रयोग बेंच वाइज के स्क्रू पर, लेथ मशीन के टेल स्क्रू पर, ध्यान दीजिएगा। लेथ मशीन आप वर्कशॉप करते होंगे तो आपको पता होगा कि भाई ये क्या होते हैं, लेथ मशीन क्या होती है, आपके कॉलेज में जरूर होगी लेथ मशीन। तो वहां पर जब जाएंगे वर्कशॉप टीचर के पास उनसे बताइएगा कि बेंच स्क्रू, ध्यान दीजिएगा बेंच स्क्रू जो लगा होता है इस तरह के, देखो ऐसे बेंच वाइज होती है, इसमें ऐसे लगा रहता और इस तरह से हम लोग कसते थे यार, जो हमने क्या बोलते हैं लकड़ी वाला प्रैक्टिकल किए थे कुछ, ठीक है, उसमें लकड़ी का ब्लॉक हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब लोहे वगैरह भी करते हैं, पकड़ने के लिए वाइज की जाती है बेसिकली। और यहाँ पे जो होता है लेथ मशीन का टेल स्क्रू, वहाँ पे लेथ मशीन में एक टेल स्क्रू होता है ऊपर की साइड, तो वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यार अगली टॉपिक अगर हम बात करें तो गाइस हमारी जो अगली टॉपिक आती है उसका नाम है क्रैंक। क्रैंक क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझिए। देखिए क्रैंक का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, हालांकि आपको देखो इस तरह से कर्व नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा बना लेना, इस तरह थोड़ा देखो कम टाइप का बना, ठीक उसी तरीके बनेगा। ध्यान देना नाम याद रहे इसमें, अगर नाम नहीं याद रहेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देखो ऊपर का क्रैंक पिन होता है, अगर यही नाम याद हो गया तो लिख भी लोगे, ऊपर का क्रैंक पिन तो नीचे क्रैंक का शाफ्ट, ऊपर का क्रैंक पिन क्रैंक भुजा या वेब बोलते हैं, क्रैंक पिन भुजा शाफ्ट, क्रैंक तो सब में कॉमन है, पिन भुजा शाफ्ट याद कर लो। ये फिगर भी याद कर लो, फिगर में क्या दिखाया गया है इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना, उसके बाद इस तरह एक चर मतलब वर्ग के आकार का बना लेना और यहाँ पे एक गोला बना करके और यहाँ पे एक डॉट फॉर्म में करना, यहाँ भी इसके केंद्र से गोला बना लेना और एक यहाँ पर ऐसे लगा लेना, यहाँ से लेकर आना यहाँ पे मिला देना, इस तरीके से आपका फिगर रेडी हो जाएगा। अब समझ लो इसके अंदर अंदर क्या होगा, ये जो आपका होता है पूरा पूरा सिलेंडर होता है और ये जो पूरी आकृति दिखाई गई एक इंजन की दिखाई गई है, इंजन इंजन जो होता है इसी तरीके से वर्क करता है, तो आगे अभी समझेंगे आप। पिस्टन ये पूरा होता है, एक कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग मतलब आपको पता है जोड़ना, रॉड मतलब आपका रॉड ही है। क्रैंक होता है, जो आपने अभी ये क्रैंक देखा ना यही क्रैंक है, तो ये कैसे काम करता है ये समझेंगे आप। और ये जो आप बीच में दिखाएंगे शाफ्ट, क्योंकि इसी पर ही घूमेगा।
अब क्रैंक के बारे में समझिए अच्छे से। देखिए जो क्रैंक होता है मशीन का एक भाग होता है, या तो आप ऐसे अच्छे से बोले कि क्रैंक जो होता है मशीन का वह भाग है जो घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति या पश्चाग्र गति को घुमाऊ गति में बदलता है। जो दोस्तों क्रैंक होता है, क्रैंक मशीन का वह भाग है या एक भाग होता है जो घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में तथा पश्चाग्र गति में जो पश्चाग्र गति होगी उसको घुमाऊ गति में, ठीक है, में बदलता है। तो इस प्रकार जो आपका क्रैंक होता है वह तीन भाग में बढ़ जाता है। पहले तो आता है क्रैंक पिन, उसके बाद क्रैंक भुजा या वेव आता है, उसके अंतर्गत आता है क्रैंक शाफ्ट। अभी टाइप शाफ्ट जानेंगे तो उसके अंतर्गत और चीज जानेंगे। इसके तीन मुख्य भाग ये होते हैं। अब देखो कुछ लोग को नहीं पता होता पश्चाग्र गति और घुमाऊ गति क्या होती है। देखो घुमाऊ गति का मतलब है यह रोटेशन करता है, इस तरीके से घूर्णन करता है यहां पे, ठीक है, घुमाऊ गति। अब कुछ लोग को पता होगा पश्चाग्र गति क्या होता है। पश्चाग्र मतलब देखो नाम से पश्चाग्र मतलब पीछे जाएगा आगे आएगा, पीछे जाएगा आगे जाएगा, मतलब लीनियर फॉर्म में इस तरीके से गति करता है। और लेकिन हमारा जो ये शाफ्ट था और यहाँ पे जो डिस्क लगी थी ये किस तरह घूम रही थी, रोटेट कर रही थी, सिर्फ रोटेशन मतलब गोल गोल घूम रही थी राउंड फॉर्म में। लेकिन जब हमने क्रैंक लगा दिया तो गाइस क्रैंक लगाया तो कनेक्टिंग रॉड की मदद से पिस्टन के पास गया जो कि किस फॉर्म में हमारी पश्चाग्र गति में कन्वर्ट करा, मतलब कि आगे पीछे गति में। तो देखा आपने किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट हुई, इसी तरीके से बिल्कुल इंजन में भी होता है। अब देखिए क्रैंक्स के टाइप्स हमने अभी बात की थी, अब क्रैंक कितने प्रकार के होते हैं इसको समझना जरूरी है। अब देखिए जो गाइस सबसे पहला जो क्रैंक होता है वो हमारा तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है ओवरहंग क्रैंक, दूसरा आता है डिस्क क्रैंक और तीसरा आता है सेंटर क्रैंक। पहला क्या, ओवरहंग क्रैंक, डिस्क क्रैंक, सेंटर क्रैंक। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओवरहंग क्रैंक क्या होता है। देखिए गाइस जो ओवरहंग क्रैंक होता है उसके फिगर जो है डायग्राम है यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप क्रैंक का जो क्रैंक पिन थी क्रैंक था उसका बना लेंगे फिगर, और यहाँ पे क्या करेंगे कैन और इधर इस तरीके से खूंटी नुमा दिखा देंगे थोड़ा सा, इसको क्रैंक पिन बोलेंगे और नीचे जनरल शाफ्ट बोलेंगे। यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक भुजा, क्रैंक पिन होती ही है, ठीक है। अब समझिए क्रैंक होते क्या है, क्रैंक ओवरहंग। देखिए इसमें जो क्रैंक लगी होती है, इसमें जो क्रैंक होती है पिन के केवल, इसमें क्रैंक पिन के केवल एक ही, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रैंक जो होता है पिन के केवल एक ही क्रैंक भुजा लगी होती है जो कि क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है। मतलब क्या होता है, सिर्फ क्रैंक पिन लगी होती है जबकि क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे क्या होता है क्रैंक भुजा से लगी होती है जो क्रैंक शाफ्ट से, जो क्रैंक शाफ्ट से यहाँ से जुड़ जाता है। इसमें जो क्रैंक होता है पिन, क्रैंक पिन जो हमारी है कैंटीलीवर की भांति रहता है। कैंटीलीवर का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप देसी भाषा में समझे तो खूंटी नाम सुने होंगे। जैसे मान लो ये दीवार है, मान लो ये मेरा जो ये हैंड है ये दीवार का काम कर रहा है, तो इसमें देखो कभी सुना होगा खूंटी बना दीजिए भाई कपड़े वगैरह टांगने, तो इस तरीके से ऐसे लगा देते हैं तो थोड़ा सा ऐसे निकला रहता है, तो इसी को बोलते हैं खूंटी, कैंटीलीवर, ठीक है। इसलिए इसे ओवरहंग क्रैंक, थोड़ा बाहर निकला इसलिए ओवरहंग क्रैंक बोलते हैं। इसका प्रयोग हल्के तथा मध्यम शक्ति वाले क्षैतिज इंजनों में किया जाता है। कौन से, हल्के और मध्यम शक्ति वाले क्षैतिज इंजन में इसका यूज किया जाता है। गाइस जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है डिस्क क्रैंक। डिस्क क्रैंक क्या होता है, देखिए जो डिस्क क्रैंक होता है दोस्तों यह चकती के आकार का होता है। ध्यान रहे डिस्क क्रैंक जो होगा वो चकती के आकार का होता है जिस पर क्रैंक पिन रिवेट की हुई होती है। मतलब हमने अभी पिन जब पढ़ा था रिवेट का मतलब बताया था, रिवेट पिन होती है आपके जो सीट कवर होते हैं जो बाइसिकल चलाते हैं उनको पता होगा उसके बगल में लगती है, तो बहुत जगह लगती है लेकिन वहां पे जो जनरली देखने को मिल जाएगा आपको। मान लो इस तरीके से देखो क्रैंक पिन किस तरीके, इस तरीके से कुछ मान लो होती है इसके बीच में इस तरह से कटे होते हैं और क्या करते हैं इस तरह से बस फैला देते हैं और यही बस होता है, ठीक है। अभी आप फिगर देखेंगे समझ जाएंगे। तो क्या होता है इसमें रिबिट की होती है, यह भी एक प्रकार का ओवरहंग क्रैंक ही होता है लेकिन क्या होता है जो कि संतुलित होता है, जो कि क्या होता है संतुलित होता है। अब देखिए क्रैंक पिन तथा कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन तथा कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे के भार को संतुलित करने के लिए, देखिए एक तरफ भार ज्यादा एक तरफ कम होगा, तो इसके लिए गाइस हम क्या करते हैं पिन के सामने के, ध्यान दीजिएगा, पिन के सामने के डिस्क के भाग को मोटा बनाया जाता है जबकि अन्य जगह की अगर हम बात करें जो हमारी डिस्क होगी उसको पतला बनाया जाता है, ठीक है। अभी आप फिगर देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए जो आपका डिस्क क्रैंक है उसका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, आपको इस तरह से एक गोला सर्कल बना लेना है, फिर यहाँ छोटे छोटे गोले बनाने हैं, फिर यहाँ इस तरीके से कर लेना देख लो, फिर यहाँ ले जा करके इस तरह थोड़ा कर्व टाइप का बना लेना है। तो इस तरीके से ये देखो डिस्क का मोटा भाग होता है।
अभी बनाया इसलिए जाता है गाइस, देखो सब सामान रहेगा तो आपको पता है कि इसको अभी एक बार घुमाने में बल ज़्यादा लगे, लेकिन एक बार घूम जाएगा तो इसमें क्या होगा, आपको पता है न्यूटन का नियम ना, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, विरोध न किया जाए तो वही नियम का पालन करता है, ये तेजी से ऐसे घूमने लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ उसका ये देखो सामने का फ्रंट दिखाया गया, ये उसका मतलब ये ऊपर से मतलब एक प्रकार जैसे मैं कहूँ ये मान लो, तो ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ से दिखाया गया और इधर पीछे का मतलब साइड में का दिखाया गया है ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से कुछ होता है गाइस, यहाँ पर देखो ये जो ये होल है यहाँ पे क्रैंक पिन लग जाती है और ये आपका शाफ्ट होगा और ये क्रैंक शाफ्ट पूरा होता है और यहाँ पे डिस्क लगी होती है, ठीक है। अब देखिए जो आपका क्रैंक मतलब डिस्क आपका क्रैंक है, डिस्क क्रैंक है, वो क्या होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं क्या, ढलवा लोहे का बना होता है। इसका जो प्रयोग होता है उच्च गति वाले छोटे तथा मध्यम इंजनों में किया जाता है, उच्च गति वाले छोटे तथा मध्यम इंजन वाले में किया जाता है, जैसे आप मैं दैनिक जीवन में बताऊँ तो डीजल इंजन और जनरेटर जो होता है इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का लगा होता है। हालांकि वहाँ पर अगर क्रैंक पिन वगैरह ये सब नहीं दिखती है, लेकिन इस तरीके का आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी, शायद आपने देखा भी पहले होगा। गाइस अगले अगर हम वीडियो की टॉपिक की बात करते हैं लेक्चर की, तो यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक आता है सेंटर क्रैंक। व्हाट इज सेंटर क्रैंक, क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से दो लाइनें खींच लेनी है, उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा इस तरह डॉट और यहाँ पे इस तरह खींच लेना है, उसके बाद ये दोनों देखो लाइन एक साथ खींचना है और ये बीच में नहीं रहेगा, बीच में सिर्फ एक डैश वाला रहेगा जो कि इसके केंद्र को दिखाएगा। तो जो ये चीज़ होती है क्रैंक शाफ्ट होता है और ये भी क्रैंक शाफ्ट का ही भाग होता है। जो ए वाली भुजा होती है ये देखिए दोनों, इसको क्रैंक आर्म बोलते हैं, इसको क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म और क्रैंक शाफ्ट यही चीज बोलते हैं, इस तरीके की होती है संरचना, इसके बारे में समझिए। देखिए जो आपका क्रैंक सेंटर क्रैंक है, आपका सेंटर क्रैंक है, इसमें क्रैंक सेंटर क्रैंक में क्या होता है, पिन के चारों ओर एक एक क्रैंक भुजा लगी होती है, देखा ना क्रैंक आर्म इधर लगा था ये देखो दोनों तरफ, तो वही बताया जा रहा है दोनों एक क्रैंक भुजा होती है, इसलिए इसे सेंटर क्रैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें क्रैंक पिन एक साधारण बीम के समान होती है, इस क्रैंक का प्रयोग मल्टी सिलेंडर इंजन में किया जाता है, इस क्रैंक का जो प्रयोग है दोस्तों मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग किया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक सिलेंडरों की शक्ति को एक ही शाफ्ट पर पहुंचाया जाता है। अब मैं बता दूं एग्जांपल बहुत अच्छा सा, आपने ट्रैक्टर का नाम सुना होगा, जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें अगर आप नाम सुनेंगे किसी से तो कहेंगे भाई मेरा जो ट्रैक्टर है वो 4 सिलेंडर का है, 3 सिलेंडर का है, 2 सिलेंडर का है, 1 सिलेंडर का है, 5 सिलेंडर का, 7 सिलेंडर का, इस तरह से नाम सुनते होंगे। ये जो सिलेंडर होता है दोस्तों इसका मतलब होता है इंजिन होते हैं, उतने सारे इंजिन होते हैं, लेकिन वो जो सभी इंजिन लगे होंगे उन सबका जो इसी मतलब जो आपके सेंटर क्रैंक शाफ्ट की क्रैंक मतलब जो सेंटर क्रैंक है इसकी मदद से एक शाफ्ट होता है और इधर सब जगह इंजन लगे रहेंगे, तो सबकी शक्ति को इसी शाफ्ट पर भेजा जाता है और किसकी मदद से, सेंटर क्रैंक की मदद से गाइस भेजा जाता है। गाइस वीडियो लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए इसेंट्रिक क्या होता है, हिंदी में बोले तो उत्केंद्रक क्या होता है। ध्यान दीजिए मैं बता दूं आपको, ये चीज आपको जल्दी थोड़ी नहीं याद होगी, लेकिन अगर मैं विश्वास कहूं तो आप अच्छे से इसको देखो, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो तो आपको ये जरूर याद हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले गोले टाइप का ये बना है, देखो इधर गोला बना है तो गोला बना लेना है, दो गोले बनाने थे, उसके बाद ये दोनों चीज देखो सेम चीज बनी है, उसके बाद यहाँ से बीच से ले जाना है और यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए ला देना है, इसके बाद आपको क्या करना है बीच में से एकदम केंद्र से होते हुए यहाँ तक ले जाना है और एक जो यहाँ गोला एक बना रहोगे, यहाँ एक लाइन खींच रहोगे, यहाँ से एक डॉट फॉर्म कर लेकर यहाँ मिला दो। अब क्या क्या इसमें है समझो, ये देखो स्टेप बोल्ट होता है, ठीक है स्टेप बोल्ट ये ठीक है स्टेप बोल्ट होता है। ये देखो ये जो प्लेट है ये सी प्लेट होती है और देखो ये क्या है स्ट्रैप आपका होता है। ये इसेंट्रिक रेडियाई जो देखो ये लाइन खींची गई इसेंट्रिक रेडियाई को बताता है मतलब इसकी त्रिज्या को, और ये जो बीच में छोटा सा लगा होता है ये शाफ्ट होता है और ये जो नीचे वाला स्टेप बोल्ट है वो चीज यहीं पर लगी रहती है। अब इसके बारे में आप समझिए क्या होता है उत्केंद्रक मशीन का एक ऐसा भाग होता है जिसके द्वारा हम सिर्फ घुमाऊ गति को पश्चाग गति में बदल सकते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि जो उत्केंद्रक है इसेंट्रिक है इसकी मदद से जो हमारे रोटेशनल मोशन है उसको सिर्फ हम पश्चाग गति मतलब आगे पीछे वाली गति जो होती है इस तरीके से कह सकते हो तो उस गति में सिर्फ बदल सकते हैं, जबकि सीव तथा स्ट्रैप जो आपने यहाँ पे देखो सीव और स्ट्रैप देखे ना ये वाली बात की जा रही है ठीक है, सीव तथा
स्ट्रैप के मध्य अत्यधिक घर्षण के कारण पश्चात घुमाऊ गति में बदलना संभव नहीं है या ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो आपका पिस्टन में काफ़ी तेजी से उसमें रगड़ रहेगी तो नहीं कर पाएगा, उसको आगे पीछे आप नहीं घुमा सकते क्योंकि आपकी लॉसेज ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ रोटेशनल को क्या कर सकते हैं, आप पश्चात गति में चेंज कर सकते हैं। अब इसके कई अंग हैं, कई चीज़ें हैं, उसको समझ लीजिए। सबसे पहला आता है शिव, शिव है, स्ट्रेप है, इसेंट्रिक रॉड है, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, आपकी लेक्चर यहीं पे हिंड होगी गाइस। क्या है कि जो सीव होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका सीव तथा सॉफ्ट के केंद्रों के बीच की दूरी को, सीव तथा सॉफ्ट के केंद्रों के बीच की दूरी को उत्केंद्रक त्रिज्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीव तथा सॉफ्ट के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उत्केंद्रक त्रिज्या कहा जाता है। इसका जो प्रयोग होता है क्रैंक शाफ्ट, इसका प्रयोग जो होता है क्रैंक शाफ्ट को घुमाऊ गति को वाल्व के पश्चाग्र गति में बदलने के लिए होता है। हमने यही बताया भाई कि जो रोटेशनल मोटर है उसको पश्चाग्र गति में, मतलब आगे पीछे वाली गति में सिर्फ बदलने का काम मिलाया जाता है और किसी काम में नहीं। सो गाइस, आपने इस तरीके से आज की महत्वपूर्ण की जितनी, मतलब इस लेक्चर में जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इसके बारे में शाफ्ट के बारे में पूरी जानकारी ली आप, क्योंकि हमें पूरा एक वीडियो लेक्चर में शाफ्ट को पूरा एंड करना था, तो हो गया भाई। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक वीडियो देखने के लिए। फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे पहले पाइए तो सब्सक्राइब तब पर भी करना होगा। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।